जो जो जुड़ गए ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। जो जो जुड़ गए ये क्वेश्चन करेंगे। जो जो जुड़ गए ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को, जल्दी से ये क्वेश्चन करना है। हाँ ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, जल्दी से ये क्वेश्चन करो। कॉपी कलम निकालो, जल्दी से ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, क्या नहीं बन रहा? ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पुट करके बनाना है, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं।
एक बार बताना कौन कौन देख रहा है। यहाँ हाय लिखो। वेरी गुड। और सब लोग भी लिखेंगे, 6 लोग देख रहे हैं, 6 सबके सब लिखेंगे। सब कोई अपना प्रेजेंस बताएं, कौन कौन हैं देख रहे हैं लाइव को। नहीं आज नहीं आना, आज क्लास ऑनलाइन ही होगी। कल से जब क्लासरूम सेटअप हो जाएगी, यहीं तो हॉस्टल में हम लोग पढ़ेंगे, आज ऑनलाइन ही होगी। चलो पता तो चल गया कौन कौन है, किस किस से ये क्वेश्चन बन चुका अभी तक, बन गया जल्दी से बताओ, क्वेश्चन किस किस से हो गया अभी तक। सर यूट्यूब में क्लास क्यों करा रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब में ही क्लियर दिखता है बच्चे, गूगल मीट पे क्लियर नहीं हो पाती है क्लासेस। क्वेश्चन जल्दी से करो, क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से क्वेश्चन करो। जिस जिस से नहीं हुआ बताओ कि नहीं हुआ, जिससे हो गया वो बोलो हाँ हो गया। गूगल मीट, अब तो आधे बच्चे हॉस्टल में हैं, जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है उसका क्या करें, वो लोग कैसे क्लास करेंगे बताओ तो। बताओ तुम लोग कैसे करोगे, या तो हॉस्टल आ जाओ सारे, जो कि पॉसिबल है नहीं। गर्ल्स कैसे हॉस्टल आएंगी? बोलना क्यों है तुम लोगों को, इसमें बोल नहीं पाते, बोलना क्यों है बताओ। आधा से ज़्यादा टाइम तो अपने आप में गप करते रहते हो सारे, नहीं बोलना नहीं है। गूगल मीट में तुम लोग बातें करते हो ना एक दूसरे से, इसीलिए तुम लोगों को चाहिए गूगल मीट। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, जैसे ही ऑब्जेक्ट का साइज बताएगा हम लोग लिख देंगे h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोई कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंस लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है,
कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है, तो निगेटिव लिख देंगे, है ना। इमेज फॉर्म्स 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज जो बन रहा है कॉनकेव लेंस में उस ऑब्जेक्ट का, जो 4 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बन रहा है सामने, तो V बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब लेंस के सामने जो इमेज बनेगा उसका शाइन क्या होगा, निगेटिव, है ना, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है साइन कन्वेंशन के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है देन फाइंड वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, ऑल्सो फाइंड साइज ऑफ द इमेज। U बराबर पूछ रहा है एंड H डेस बराबर पूछ रहा है ना। चलो यहाँ दिख रही है आप लोगों को, एक मिनट चेक कर लें, हाँ यहाँ तक दिख रही है। क्वेश्चन को मिटा देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन तुम लोगों ने लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया है ना, बताना क्वेश्चन लिखे हो, क्वेश्चन लिखे हो, यस और नो जल्दी बोलो, क्वेश्चन लिखे हो कि नहीं, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, अगर नहीं जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन जो जो लिखे हैं यस सर बताएं, वेरी गुड, देखो जो जो बच्चे जूम गूगल मीट बोल रहे हैं ना उन लोगों को बता दें कि अब जो है हॉस्टल के किसी एक रूम को क्लासरूम बनाया जा रहा है, तो जो जो बच्चे हॉस्टल में हैं वो ऑफलाइन पढ़ेंगे, और जो हैं उसके लिए कैमरा सेटअप कर दिया जाएगा और वो ऑनलाइन वीडियो देखेंगे। अब तुम लोग गूगल मीट में जो वहाँ बोलोगे तो वो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, फिर तो डिस्टर्ब होते रहेंगे, गूगल मीट में तो पॉसिबल नहीं है। चलो क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जो बाद में वीडियो ये रहेगी तब देख लेना। सबसे आसान तरीका है YouTube लाइव, क्योंकि आप लोग लिंक से सीधे ज्वाइन हो जाते हैं। Google Meet Zoom में क्या है, एडमिट करना पड़ता है, तो अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो तुम्हें एडमिट करने के लिए फिर से जाऊँगा वहाँ पे पीछे मोबाइल के पास। हाँ बताओ, कोई बच्चे बाद में आ रहे हैं कोई पहले आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें एडमिट करने जाऊँ, है ना, तुम्हारी बकवास भी सुनूँ, ऐसे नहीं होगा। चलो F और V दिया है तो U निकालना बहुत आसान है लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है। F क्या दिया हुआ है, 1 बाई माइनस 10, सेंटीमीटर नहीं लिखते यूनिट नहीं लिखते हैं। V क्या दिया हुआ है, 1 बाई माइनस 4 माइनस 1 बाई यू, यू तो निकालना है हमें, ठीक है। 1 बाई माइनस 10 ये माइनस है तो इस पार आएगा प्लस, 1 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई यू, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 40 एलसीएम आएगा, माइनस 4 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई यू, ये कितना हो गया 6 बाई 40 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई यू,
तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 40 बाई 6। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.66 माइनस में सेंटीमीटर। यहाँ तक दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं सलमान, हर एक सब्जेक्ट की क्लास ऑफलाइन नहीं होगी, हॉस्टल में तो सिर्फ हम हैं और अरशद सर हैं, तो अरशद सर मैथ पढ़ाएंगे, और हो सकता है उनका क्लास ऑनलाइन नहीं हो, लेकिन मेरी क्लास ऑनलाइन भी होगी साथ साथ, है ना? ठीक है, चलो इसके बाद क्या मांगा है, हमारा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया कि u जो है हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, 6.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेंस से रखा है, जिसका इमेज कहाँ पे बना है, जिसका इमेज कहाँ बना है, 4 सेंटीमीटर में बना है ना, लेंस के सामने ही 4 सेंटीमीटर में बना है। अब क्या निकालना था हमें, एच डेस की इमेज का साइज़ क्या होगा, तो इमेज का साइज़ कैसे निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच डेज बाई एच, है ना, लेंस में माइनस नहीं होता, तो हम लोग इसको v बाई यू इज इक्वल टू एच डेज बाई एच के रिलेशन से इमेज का हाइट निकाल सकते हैं। v कितना दिया हुआ है, माइनस 4, u कितना आया है, माइनस 40 बाई 6, पॉइंट वाला नहीं ले रहे ताकि कटने में आसानी हो, ठीक है, एच डेज निकालना है और h हमें पता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सिर्फ 4 लिखते हैं। क्या हो रहा है, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 40 बाई 6 इंटू एच डैश, तो एच डैश इज इक्वल टू, सीधे कर दें तुम लोग कैलकुलेशन समझ जाओगे ना, एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 16 इंटू 6 बाई माइनस 40, ये माइनस माइनस कटेगा, 8 से जा रहा, 8 टू जा 16, 8 फाइव जा 40, ठीक है, तो 12 बाई 5 सेंटीमीटर जो है इमेज का हाइट आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज जो है पॉजिटिव क्यों आ रहा, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज सीधा बनता है ना, वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है। चलो इसको अगर उतार लिया हो तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तुम लोग यहां भी बात करने का मौका नहीं छोड़ते ना, शमीम ये सॉल्यूशन उतारो, बात मत करो, अर्शल वकार, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, चलो इसको मिटा दें, थोड़ा सा फास्ट करना होगा, कॉपी कलम लेके रेडी, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं ना, अगर समझते जा रहे हो तो साथ साथ लिखते भी चलो ना। चलिए इस टाइप के और सारे क्वेश्चंस तो आप लोग कर लेंगे, तो टाइप बदलते हैं थोड़ा।
जिन लोगों ने नहीं लिखा है, वीडियो जब रहेगी यहाँ पे पड़ी हुई यूट्यूब पे, तब आके देख लेना और लिख लेना। लाइक कर दो सारे, और जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर टू। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ convex lens, if the distance between object and image is 60 centimeter, मैग्निफिकेशन इज 1, देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हाइट ऑफ इमेज एज वेल। क्या क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है ना। तुम्हें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, और इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो देख लो, जल्दी से सॉल्व करो। ये डिसलाइक वाले लोग कौन हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? मांग क्या है बताइए। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। दिख रहा है ना क्वेश्चन? अब दिख रहा है क्या क्वेश्चन? लाइट चले गई है। जूम जूम करते रहो, डिसलाइक भी करो, लेकिन जूम पे तो जाएंगे नहीं। और तुम लोगों को तो बता रहा हूँ यार के एडमिट करना पड़ता है वहाँ पे, सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हो, वो प्रॉब्लम करता है। अब पढ़ाते पढ़ाते एडमिट करने कैसे जाएं? हाँ, अब एडमिट नहीं भी करें तो तुम लोगों का वहाँ छूट जाएगा उतना, अगर पढ़ा के आगे जाते हैं तो। यूट्यूब में क्या है, जब आए, मान लिया कहीं जाना भी पड़ा, वापस आए तो वहीं से शुरू हो गया तुम्हारा, बैक करके पीछे से भी देख सकते हो।
तो फायदे नहीं दिख रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोगों को अपना बात करना सूझ रहा है। चलो जल्दी से करो क्वेश्चन। चलो लिखे क्या सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। If an object of size 5 cm is placed in front of a convex lens, कौन सा लेंस है? Convex lens है। Object का size कितना है? 5 cm. Object के size का मतलब object का height कितना है। If the distance between object and image is 60 cm, यही तुम लोगों को अच्छे से पकड़ना था कि object और image के बीच का distance कितना है? 60 cm है। Magnification क्या दिया हुआ है? M is equal to 1. कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफिकेशन 1 कब हो सकता है? मैग्नीफिकेशन 1 होने का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल है। और कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कब होता है? जब इधर 2f पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो उस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है ना, और इक्वल साइज का बनता है, तभी तो हम लोग मैग्नीफिकेशन 1 बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये मैग्नीफिकेशन क्या है? -1 है। -1 क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को सीधा रखते हैं लेकिन इमेज हम लोगों का उल्टा बनता है ना, इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। तो अगर 60 सेंटीमीटर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और मैग्नीफिकेशन 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या पकड़ना है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज यहाँ बन रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक को U बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को V बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। तो U प्लस V इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, तो U 30 हो गया और V भी 30 हो गया, क्योंकि ये बराबर दूरी पर बना है। इधर कहाँ पर रखे हैं? सेंटर पर रखे हैं, इधर C1 पर रखे हैं, तो इधर इमेज C2 पर बनता है, यही ना दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। चलो तो तुम्हारा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आ गया, फोकल लेंथ निकालना कितना आसान हो गया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर, एंड V इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? F बताइए भैया, और पूछा है कि H डेस बताइए, H डेस बताइए, F और क्या बताइए? एच डेस बताइए। अब बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करके नहीं दे रहे। अब फोकल लेंथ पूछा है और हाइट ऑफ इमेज पूछा है, फोकल लेंथ निकल जाएगा 1/f = 1/v, 1/f = 1/v -1/u, और एच डेस बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू, यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा एच डेस, ठीक है। जल्दी से करो। तो अब भी जिन बच्चों से नहीं हो रहा है बताना, सॉल्यूशन भी देंगे। मैं फरहाद भाई, मेरा नाम लीजिए। वेरी गुड, यही करो। ये 3 डिसलाइक अभी तक नहीं हट रहे हैं, कौन है डीट? आगे सॉल्व कर पाओगे?
जिन जिन से नहीं होगा वो लोग बताएं, उनको सम्मानित किया जाएगा, वो लोग लेजेंड लोग हैं। हाँ जल्दी से बताओ किन किन से नहीं हो पाएगा। यहाँ से भी सर हम लोग जो है सरेंडर कर रहे हैं, हमसे ना हो पाई बताएं। बताओ होगा। चलो देखते हैं आगे सॉल्व कर ही देते हैं। V और U पता है, F नहीं निकल जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई वी कितना है 30, माइनस 1 बाई यू कितना दिया हुआ है माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 30 कितना हो गया, ये 1 बाई 15 हो जाएगा। 30 एलसीएम ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 2 बाई 30 1 बाई 15, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। प्लस क्यों आया, क्योंकि फोकल लेंथ इसका इधर होता है। और अगर तुम लोगों के पास बुद्धि होती तो तुम लोग कहते कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे है तो फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, 15 सेंटीमीटर में होगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में डिस्टेंस क्या है, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आधी होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की दुगुनी होती है। तो यहाँ से कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या मांगा है, एच डैश। एच डैश कैसे निकालेंगे हम लोग, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। एच डैश बाई एच कितना है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी कितना है प्लस 30, U कितना है, U कितना है माइनस 30, तो H डैश बराबर क्या हो गया माइनस 5 सेंटीमीटर। अगर बुद्धि होती अच्छे से तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 देने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट बराबर होता है ना, तभी तो मैग्निफिकेशन 1। ये सब 30-30 कैसे ले आए, मैग्निफिकेशन 1 के वजह से। और इमेज इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है, तो उसका जो है साइन निगेटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज सेम है लेकिन इमेज इन्वर्टेड बना है, इसीलिए माइनस 5 कर देंगे, है ना, क्लियर है। चलो अब इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे, मिरर के क्वेश्चंस तो तुम लोग भूल चुके होगे, है ना। भूलना हमारी कला है।
एक क्वेश्चन करो तो, दो मिरर कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई एक ऑब्जेक्ट इसके एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा है, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, चलो फॉर्म्ड, ज़्यादा लैंग्वेज लिख के क्या फ़ायदा, इन दोनों मिरर में कितने इमेजेस बन रहे हैं टोटल वो बताना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है ऑब्जेक्ट, जल्दी से करो, अगर फॉर्मूला याद है तो, सब तो भूल के खा गए होगे तुम लोग ना, अब पानी भी पी लिए होगे। चलिए जल्दी करिए, तो बहुत सारे तो बच्चे हैं, अंकित ज्वाइन होता है, 11 ही बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन एक ने आंसर कर दिया, आप लोग किधर हो, अहमद रजा 6 सर, वह 6 कैसे आएगा, फाइव, जल्दी से करो। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है ना, कहाँ पे रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है ऑब्जेक्ट को, दो मिरर कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है, उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री है ना, डिग्री भी दे देते हैं यार, तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनने हैं। एंगल बाइसेक्टर पे जब भी रखा हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री बाय थीटा क्या है, ये n की वैल्यू आती है ना, इज इक्वल टू n करते हैं, ठीक है, और जो n की वैल्यू आती है n माइनस वन करते हैं हम लोग, जब ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ था, तो 360 बाय थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा कितनी दी हुई है, 60 डिग्री, तो 360 बाय 60 कितना हो जाएगा, 6 है ना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, n माइनस वन, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में से एक को घटा देंगे जो कि होगा 5, ठीक है, यहीं पे कहता कि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है तब भी 5 आता, तब कितना आता, क्योंकि इवन आ रहा है ना हम लोगों का, हम लोगों का क्या आ रहा है, n की वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है, जब n की वैल्यू इवन आती है तो हम लोग n माइनस वन वहां भी करते हैं, ठीक है, जब n की वैल्यू ऑड आती है, n स्टैंड्स फॉर ये नंबर आती है ना, 360 बाई थीटा की वैल्यू जो आती है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं n, है ना, और टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कभी कभी n भी होता है जब ऑड नंबर होता है, 360 डिग्री बाई थीटा अगर ऑड नंबर आ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी, है ना, ऑड नंबर आ रहा है अगर ऑब्जेक्ट इमेज ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तब ऑड नंबर में से एक घटाएंगे, ठीक है, इवन आ रहा है तो एक घटाना ही है, क्लियर है, चलो कुछ और क्वेश्चंस,
हम लोग पावर ऑफ लेंस नहीं पढ़े हैं ना अभी तक। पावर पढ़ना होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना पावर से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तुम लोग जब सब यहाँ आ जाओगे, शीट सबके हाथ में होगी, तब हम लोग जो है शीट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक तरफ से, है ना, जैसे नाइन्थ में किए थे। नाइन्थ में तो टाइम नहीं मिल पाया था, लास्ट टाइम था, अभी हम लोगों के पास पूरा साल पड़ा है। क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज थ्री टाइम्स, द इमेज क्वेश्चन साथ में लिखते चलेंगे, तुम लोग जो क्या कर रहे हो मोबाइल में ना जाने। फॉर्म्ड इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द टू पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से करो। मिरर का क्वेश्चन है, ध्यान से, लेंस पढ़ते पढ़ते फ्लो फ्लो में लेंस का ही बना गए। सारे लोग क्वेश्चन को करेंगे जो जो भी देख रहे हैं, ट्राई एटलीस्ट करो, ट्राई सॉल्यूशन भी तो देखना है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। सबसे पहला काम तुम्हारा है क्वेश्चन को सट से लिख जाना, है ना, फट से क्वेश्चन को लिख जाना, उसके बाद वहां से कॉपी से ट्राई करना। किन किन लोगों ने अब तक कर भी लिया,
चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे जल्दी से। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है ना, क्योंकि सामने ही बनती है फोकस। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो प्लस माइनस 3 है ना। मैग्निफिकेशन क्या है? प्लस माइनस 3 है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बन सकता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज भी बन सकता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं दिया है ना। उसके बाद पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो है दो डिस्टेंसेज बताइए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है ना। चलो क्वेश्चन लिख लिया होगा, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से चलेंगे। तो ऐसा करते हैं, केस वन केस टू कर देते हैं ना। केस वन, इन केस ऑफ रियल इमेज, जब ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा तब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 3 है ना, और m बराबर क्या होता है? माइनस v बाई यू। माइनस v बाई यू होता है मिरर में, माइनस v बाई यू होता है इज इक्वल टू माइनस 3। तो v बाई यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो v इज इक्वल टू 3u, एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जब रियल इमेज बनेगा, चलो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं मिरर फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f कितना दिया हुआ है? 1/-15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। क्या हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज किए हैं यहाँ पे? कर चुके हैं, m इज इक्वल टू माइनस 3 ले चुके हैं ना, तो सीधे पुट करते चले जाएंगे हम लोग। 1/3u प्लस 1/u को u रखें कि माइनस u रखें, ये बताओ। अब मुझे दिख नहीं रहा, फोन चले गया है वो। चलो 1/u ही रखेंगे, 1/-15 इज इक्वल टू 3u LCM है ना, 1 यहाँ पे प्लस 3। 1/-15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4/3u। ये नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर करते हैं। 1/-15 इज इक्वल टू 4/3u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3u इज इक्वल टू -60। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। देखे, अपने आप निगेटिव आ गया। ऑब्जेक्ट को हम लोगों को कहाँ रखना होता है? सामने रखना होता है, तो u निगेटिव आया ना, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज़ पहले ही कर चुके हैं इन केस ऑफ रियल इमेज। तो यहाँ पे u को और अलग से माइनस ऐड करने नहीं जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलो केस टू। बाहर से बहुत नॉइज़ आ रहा है, इसीलिए हम लोग जल्दी से क्लास को ख़त्म करेंगे है ना। कोई आइसोलेटेड क्लासरूम नहीं है ना कि यूट्यूब के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को लाइव क्लास करा रहे हैं तो कोई चिल्लाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से आवाज़ें आती है, इसलिए जल्दी से अभी ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया लेक्चर को शुरू होते हुए। चलो इन केस ऑफ
वर्चुअल इमेज, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, है ना। और प्लस थ्री के केस में क्या करेंगे हम लोग, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो v इज इक्वल टू माइनस थ्री यू, है ना। वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई वी, वन बाई माइनस फिफ्टीन वैल्यू थी, f की वैल्यू कितनी थी 15 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू वन बाई यू को यू ही रहने देंगे और v को क्या कर देंगे माइनस थ्री यू, प्लस है यहाँ पे, ठीक है। थ्री यू एलसीएम जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा थ्री यू, यहाँ पे क्या आएगा थ्री यू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस यू इज इक्वल टू वन बाई माइनस फिफ्टीन, ठीक है। यहाँ पे माइनस फिफ्टीन है तो वन बाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू टू, अरे नहीं यार, यहाँ पे सिर्फ u ये करेंगे ना, u नहीं रखेंगे ना, u तो हट गया, 3 माइनस वन तो 2 बाई थ्री यू। उसके आगे यहाँ लिख देता हूँ, तो 3u इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3u इज इक्वल टू माइनस थर्टी, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टेन सेंटीमीटर। माइनस टेन सेंटीमीटर मतलब हम लोग अब फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में फोकस के अंदर रख रहे हैं, मतलब फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, इसीलिए इमेज कैसा बनेगा, रियल ये वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा बनेगा और थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगा, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 10 सेंटीमीटर सामने रखेंगे, है ना, ठीक है। इसको उतार लेना तुम लोग बाद में या अभी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से रहो सब, वेरी गुड।